उत्तर कोरिया के तानाशाह मार्शल किम जोंग उन की तबीयत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया के एक धड़े में तो उनके ब्रेन डेड और मौत की आशंका भी जताई गई है, लेकिन इस बीच उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उनकी एक ट्रेन पिछले एक हफ्ते से देश के पूर्वी तट पर उनके परिसर में खड़ी हुई दिखाई दी है। 38 नॉर्थ नाम की वेबसाइट ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें किम के स्वास्थ्य के बारे में कोई संकेत नहीं देती, लेकिन ये दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के इस बयान को बल देती हैं कि किम राजधानी प्योंगयांग से बाहर रह रहे हैं। सियोल लगातार यह कह रहा है कि ऐसे कोई संकेत नहीं है कि किम का स्वास्थ्य खराब है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर चुंग इन मून ने कहा कि किम जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मून ने कहा कि किम को लेकर हमारी सरकार का रुख कायम है। किम 13 अप्रैल से ही देश के वोनसन एरिया में रह रहे हैं। दरअसल किम उत्तर कोरियाई संस्थापक और अपने दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती पर 15 अप्रैल को आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगने लगी थीं। किम के स्वास्थ्य का मामला काफी अहमियत रखता है, क्योंकि ऐसी चिंता है कि उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने या उनकी मौत होने से गरीब परमाणु संपन्न देश में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किम जोंग उन की मौत हो जाती है तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। संभावना जताई जा रही है कि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की तानाशाह बन सकती हैं। साल 1988 में जन्मी किम यो जोंग नॉर्थ कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी बेटी हैं। वह किम जोंग की सबसे करीबी सहयोगी मानी जाती हैं। वो सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की शक्तिशाली केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष भी हैं। किम जोंग के बाद पार्टी पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि हार्ट की सर्जरी के बाद किम जोंग उन की या तो मौत हो गई है या फिर वो अपनी चेतना खो बैठे हैं, यानी ब्रेन डेड हो चुके हैं। तानाशाह किम के गंभीर होने की अटकलों को उस वक्त और भी ज्यादा बल मिल गया था जब तानाशाह किम जोंग के इलाज के लिए चीन के डॉक्टरों की टीम उत्तर कोरिया पहुंची थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।